गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बड़ी अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ में। राजस्थान चिकित्सा विभाग, यहाँ पर एक और बड़ा लेटर यहाँ पर आपका जारी हुआ है। 6 तारीख का, ये 6 जून का नोटिफिकेशन है आपकी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती और कोविड स्वास्थ्य सहयोग से जुड़ा मामला ये है। इसमें दोस्तों ये लेटर मुझे पता है आप सभी तक पहुँच चुका होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यहाँ पर राज्यपाल ने जो है आपके लिए दो बड़े आदेश बताए हैं इस लेटर के अंदर, और ये वो लेटर है। शायद आपको ये लेटर पहुंच चुका हुआ आज सुबह से ही। खुशीराम मीणा जी के लिए लेटर लिखा हुआ था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के। देखिए कहानी कुछ और होती है, जिस तरह से राजनीति में आगे से आगे लोगों को जो है जानकारी पता होती है नेताओं को, उसी तरह दोस्तों यहाँ यूट्यूब के क्षेत्र में और नर्सिंग का जो प्रोफेशन है अपना उसके क्षेत्र में जो है हमें इसमें पीछे की कहानियाँ क्या है वो से भी हमें जानकारी पता रहती है। इसमें काफ़ी कुछ खेल आपके साथ चल रहा है, और सबसे ज़्यादा खेल जो चल रहा है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका भला चाह रहा है तो कोई बुरा भी यहाँ पर आपका चाह रहा है, और हाई कोर्ट तक जो है आपका बुरा चाहने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं लोग और पहुँचे हुए हैं लोग। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी बाद में बताऊँगा, जो कि रीट पिटिशन आप अपने सामने देख सकते हो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीट पिटिशन है दोस्तों। इस रीट पिटिशन से CHA कोविड स्वास्थ्य सहायकों पर एक बहुत जो है इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वीडियो हम यदि आप कहोगे तो बनाएंगे। कमेंट में बताइएगा यदि इस पर जो है आपको पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा है आपके भर्ती के ऊपर, आपके परमानेंट के ऊपर लेकर, और आपके बोनस के ऊपर, और आपके कार्य को लेकर, समान कार्य समान चीज पद को लेकर। ठीक है, ये उससे संबंधित लेटर है, तो ये लेटर के ऊपर हम वीडियो तभी एक्सप्लेन करेंगे तब आप हमें कमेंट करोगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी इस लेटर की पीछे की कहानी भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। राजस्थान सरकार का ये लेटर है दोस्तों। जो भी CHA साथी, नर्सिंग साथी देख रहा है वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करना वीडियो को एंड तक देखने के बाद में। 6 जून का नोटिफिकेशन है, आज आप सभी को पता है 13 जून है। ठीक है, 11 जून को यहाँ पर आपकी डेट खत्म हो चुकी है नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की। अब जो है डेट आपकी ANM बहनों की, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की डेट भी खत्म होने वाली है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खुशीराम मीणा जी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन, हेडक्वार्टर SMS हॉस्पिटल जयपुर में है इनका हेडक्वार्टर, और इनके फोन मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। ये डिस्पैच हुआ लेटर है, यानी रियल लेटर है ये ओरिजिनल। यहाँ पर विषय लिखा गया है नर्सिंग ऑफिसर और कोविड स्वास्थ्य सहायकों को न्याय दिलवाने बाबत। ठीक है, यानी आपको दोस्तों बता दूं मैं जानकारी, जब आपकी भर्ती आई थी 2022 में, यानी अभी 7-8 महीने पहले, 1279 पदों पर, कितने पदों पर आपकी 1279 पदों पर भर्ती आई थी, तब जो है दोस्तों यहाँ पर खुशीराम मीणा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने जो है डायरेक्ट राज्यपाल गवर्नमेंट को ही लेटर लिख दिया था। गवर्नमेंट से इन्होंने मांग की थी विशेषतः काफ़ी इफेक्टिव रूप से कि जो है नर्सिंग ऑफिसर में पद बढ़ाए जाए और कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा बहाली की जाए, उनको न्याय दिलवाया जाए। तो इसके संबंध में दोस्तों अब जाकर जो है 6 तारीख को यहाँ पर सरकार ने लेटर जारी किया है, और सरकार ढीली होती है, आप सभी को पता है कितना इनका ढीला काम रहता है। ठीक है, अब इसमें लेटर में क्या लिखा है तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने देखें, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। ये आपको हमारी CHA की वीडियो से पता चल गई होगी जो हमने परसों अपलोड की थी, और मैंने आपसे बोला था अभी फॉरम निकलने के बाद, उसके पहले भी आप तमाशा देखना है आपको, फॉरम भर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, तमाशा देखते जाओ, काफ़ी सारे लेटर जारी होंगे अभी। ठीक है ना, काफ़ी सारी जानकारी निकल निकल कर आएगी, धड़कने तेज ही चलती रहेगी जब तक आपकी प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर निकल कर जारी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इस लेटर में सरकार ने बोला है खुशीराम जी से कि उपरोक्त विषय अंतर्गत आप द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 23/11/2022 में, यानी 23/11/2022 को यहाँ पर खुशीराम जी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, किसको, राज्यपाल को। देखिए कितना पावर इनका, खुशीराम जी का, इन्होंने जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तो इसके संबंध में जो है बाकायदा जयपुर से यहाँ पर लेटर जारी हुआ है इनके लिए, इनको जो है इनको बिना RTI के यहाँ पर सूचना दे दी गई है। इन्होंने इसमें बताया है आपके द्वारा 23/11/2022 में नर्सिंग ऑफिसर के 1279 पदों हेतु जारी विज्ञप्ति में पद वृद्धि, ठीक है, और दूसरा कोविड स्वास्थ्य सहायक के वैश्विक महामारी के दौरान लगाए गए थे तो इनके पद पर कार्यरत कार्मिकों की सेवा बहाली किए जाने हेतु निवेदन किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है तो उक्त के संबंध में वस्तुस्थिति ये है, यानी कुल मिलाकर स्थिति अभी तक ये है खुशीराम जी कि नर्सिंग ऑफिसर के 1279 पदों हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 16/11/2022 को पदों में वृद्धि और बोनस अंक में बदलाव और इत्यादि अन्य कारणों से उक्त विज्ञप्ति को जो है निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान यानी शेफू ने जयपुर द्वारा दिनांक 19/4/2023 को निरस्त कर नर्सिंग ऑफिसर के पदों में वृद्धि सहित 7020 पदों पर वृद्धि की, 25/4/2023 को जो है आपकी नवीन विज्ञप्ति भी जारी की, यानी पहले 1279 पद थे तो आपके बोलने पर हमने इसमें पद वृद्धि भी की, बोनस अंकों में बदलाव भी किया
और अन्य चीजों में बदलाव भी किया और निरस्त भी की गई भर्ती आपके बोलने पर, और जो नई भर्ती भी निकाली गई 7020 पदों पर, ठीक है, ऐसा सरकार का कहना है खुशराम जी से। अब इसमें आगे देखिए, दिनांक 25/4/23 को नवीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है जिससे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया के अधीन है, ठीक है। यानी आप सभी को पता होगा 6 तारीख को ये लेटर निकला था, इसलिए प्रक्रिया के अधीन लिखा गया है ना, जानकारी बता दूं। अर्थ का अनर्थ निकालते हो आप एक चीज का, हमें पता है, अब थोड़ा सा जो है हमें भी सोच समझ कर यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ेगी। आगे देखिए, इन्होंने कहा है अब CHA के लिए, भैया CHA के लिए क्या कुछ है सुन लीजिए ध्यान से। साथ ही संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 25/4/23, ठीक है, 25/4/23 में कोविड परिस्थिति के दृष्टिगत कोविड अवधि दिनांक 22/3/20 से 13 फरवरी 2022 के दौरान विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं में कार्यरत रहे कार्मिकों को विशेष परिस्थिति में काम करने को दृष्टिगत रखते हुए समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेंगे। देखिए, मैंने बोला था आपसे, मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, CHA को यहाँ पर 100% यहाँ पर बोनस मिल रहा है। सबसे पहली बात ये वेरीफाई कर लीजिए, हमने बोल दिया है जीवान से, तो ये जो है हमारी चीज़ झूठी साबित नहीं होगी। अब दूसरी बात, यदि आपका आप फिर से जो है इस लेटर के जरिए यदि आप दिमाग लगाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि सर CHA को तो सिर्फ बोनस ही दे रहे हैं, MHVF की फाइल बंद कर दी, तो भैया मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपकी MHVF की फाइल जो है चालू भी नहीं है, ठीक है, चालू भी नहीं है और बंद भी नहीं है, क्या है फिर, रुकी हुई है, एक जगह पड़ी हुई है, एक कमरे में पड़ी हुई है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। उस फाइल को उस विभाग से, उस कमरे से हटाकर पास करवाना, सबकी नज़रों में लाना, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितने जागरूक हो भर्ती को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, यदि आप चाहते हो तो। अन्यथा फाइल पड़ी रहेगी, सालों तक पड़ी रहेगी, वर्षों तक पड़ी रहेगी, पीढ़ियाँ बीत जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये आप सभी पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर सुरेश नवल जी जो कि निदेशक है अराजपत्रित चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ, इनकी जो है बाकायदा सील साइन हो रहे हैं और यहाँ पर डेट लिखी गई है, ये जो आपके प्रति है किन किन को भेजी गई, सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी भेज दी गई है, निजी सचिव को भी भेज दी गई है, चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारी जी को भी भेज दी गई है, ठीक है, प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा अराजपत्रित को भी यहाँ पर भेज दी गई है। तो ये वीडियो थी फिलहाल, और बड़ा गेम यहाँ पर आपके साथ खेला जा रहा है, अंदरूनी जानकारी भी आपको बता दूँ मैं, जिसका खुलासा आने वाली वीडियो में हम यहाँ पर कर देंगे परिस्थिति अनुसार, यदि हमें ठीक लगता है तो। बाकी आपके क्या कमेंट में विचार है वो बताइएगा इस लेटर के जरिए। एक चीज़ बस यही मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, खुशीराम जी ने मांग की थी पदोन्नति की और बोनस अंक में बदलाव की, वो मान ली गई है, और CHA को न्याय दिलवाने के लिए भी इन्होंने मांग की थी, उसमें से थोड़ी बहुत मांगे भी मानी गई, जैसे कि CHA को बोनस दिया गया, हालांकि CHA की फाइल पेंडिंग है, कोशिश करते हो तो आपकी जो है यहाँ पर फाइल पास हो जाएगी। बाकी ये जो रीट पिटिशनों के रिजल्ट आए हैं, इन पर जो है हम पूरी जाँच पड़ताल कर रहे हैं, और यदि आप चाहते हो CHA के ऊपर क्या ऑर्डर आया है क्या नहीं आया उनके कार्य पद समान हेतु, तो इस पर भी जो है हम पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। बाकी यही थी जानकारी, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सलीश नर्सिंग एकेडमी, आप देख सकते हो ये लाल ब्लैक कलर का या लाल कलर का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाइए और यहाँ पर इसको सफ़ेद कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले जो है जानकारी आपको मिले, और साथ ही में यहाँ पर ऑल के घंटे के निशान पर आपको प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी मिल सके, ठीक है ना, ये इस तरह से सब्सक्राइब। बाकी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करना है, ताकि जो भी हम PDFs डालते हैं, वैकेंसियाँ भी काफ़ी डालते हैं आजकल, वैकेंसियों के ऊपर हमने वीडियो बनाना बंद कर रखी है, वो भी आपको प्राप्त हो PDF, उनकी जानकारी, खबर, न्यूज़, जो भी चीज़ें हो, लिंक विंक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।